नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, क्या आपको लगता है कि देश में मोदी सरकार को हराने के लिए तीसरे मोर्चे की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि अगर तीसरा मोर्चा बन जाता है तो फिर देश में मध्यावधि चुनाव होंगे? आपकी इस पर जो भी राय हो, लेकिन इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला को ऐसा लगता है। एक सवाल ये भी है कि अगर देश में तीसरा मोर्चा बनता है तो ये तीसरा मोर्चा मोदी को हराएगा या फिर जितवाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए अब आते हैं जो ओमप्रकाश चौटाला ने बोला है। ओमप्रकाश चौटाला ने आज कहा है कि सितंबर के महीने में तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया जाएगा और तीसरा मोर्चा बनेगा तो फिर प्रेशर बनेगा, सरकार में बैठे लोग सरकार को छोड़ देंगे और फिर मध्यावधि चुनाव होंगे। पहली बात जो है कि हाँ ठीक है, तीसरा मोर्चा बन सकता है, उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, पहले भी बने हमारे देश में तीसरा मोर्चा, सरकारें भी बनी हैं। लेकिन जो दूसरी बात है ओमप्रकाश चौटाला की कि देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है सरकार पे प्रेशर बनेगा, लोग छोड़कर चले जाएंगे, नौबत आ जाएगी फिर मध्यावधि चुनाव की, इस बात में आपको कितना दम लगता है? ये बात अभी बेमानी सी लगती है, क्योंकि अभी सत्ता में जो लोग हैं, क्योंकि बीजेपी फुल पावर में है, फुल फॉर्म में है, और सत्ता में जो लोग हैं वो बोलते भी नहीं है सरकार के खिलाफ। और आपको ये भी पता है कि सत्ता के साथ लोग रहना चाहते हैं, सत्ता में रहकर लोग फायदा उठाना चाहते हैं, कौन कहां अलग होगा। तो ऐसे में मध्यावधि चुनाव वाली बात बेमानी लगती है, लेकिन तीसरे मोर्चे की संभावना है और उसकी कोशिशें चल रही हैं। आपने देखा भी होगा, इससे पहले जब से पश्चिम बंगाल का उसमें चुनाव हुआ है और ममता बनर्जी वहां पर दोबारा आई है, उसके बाद से ही तीसरे मोर्चे की जो संभावना है या उसके लिए जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने ममता बनर्जी का भी साथ दिया, वो शरद पवार से मिलते हैं और कोशिशें हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, तीसरे मोर्चे में ममता बनर्जी चेहरा हो, यानी 2024 में मोदी बनाम ममता बनर्जी हो, ये उनकी कोशिश है। शरद पवार अगर उसमें होगा तो और लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जो ओमप्रकाश चौटाला बोल रहे हैं, ये कौन से तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं? क्या ये भी वही है या कुछ और है? ओमप्रकाश चौटाला कुछ दिन पहले ही जेडीयू के जो नेता हैं, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी, उस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी ओमप्रकाश चौटाला से मिलते हैं गुरुग्राम में उनके निवास पर, और उस मुलाकात के दौरान केसी त्यागी चौटाला यानी इनेलो सुप्रीमो चौटाला की बात नीतीश कुमार से फोन पर करवाते हैं। और अब चौटाला ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार उनसे मिलेंगे भी आने वाले दिनों में। नीतीश कुमार आपको पता है बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू प्लस बीजेपी की सरकार है बिहार में, है ना? तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनेंगे? ये भी एक सवाल है। अब ओमप्रकाश चौटाला ने कहा कि सितंबर के महीने में चौधरी देवीलाल की जयंती होती है 25 तारीख को, और उस दिन तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया जाएगा। तो मतलब उस दिन कौन से नेता उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इस बात पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये जो तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, इसमें जो हमारा सवाल है वो ये, आम लोग चर्चा करते हैं और आप लोग भी चर्चा करते हैं कि जितना विपक्ष के वोटों में डिवाइडेशन होगा, मतलब विपक्ष का वोट डिवाइड होगा, उतना फायदा बीजेपी को जाएगा। अगर ऐसा होता है, मतलब तीसरे मोर्चे में अगर कांग्रेस शामिल नहीं होती, कांग्रेस के अलावा तीसरा मोर्चा बनता है, कांग्रेस के साथ अगर दो चार और पार्टियां रहती हैं उसके अलावा बाकी तीसरा मोर्चा बनता है, तो फिर क्या होगा? तो क्या वो तीसरा मोर्चा मोदी को हराएगा या फिर मोदी को जिताएगा? ये हमारा सवाल है, क्योंकि जब वोट बंट जाएगा तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को यानी मोदी को होगा, ये हमारा सवाल है। खैर, देखना होगा कि पीके कितना कामयाब हो पाते हैं,
तीसरे मोर्चे को बनाने के लिए, और क्या वो ममता बनर्जी का चेहरा होगा जिसके नीचे सारे लोग दूसरी पार्टियां आ जाएंगी, या कौन से चेहरे होंगे, क्या कुछ होगा? ये एक बड़ा सवाल है और ये इतना आसान नहीं है। हालांकि तीसरे मोर्चे की सरकार पहले भी हमारे देश में रह चुकी है, लेकिन वो कितना कामयाब रहा तीसरा मोर्चा कई बार, तो वो आपके सामने है। तीसरा मोर्चा बन सकता है, लेकिन कितना कामयाब रहेगा और क्या तीसरा मोर्चा मोदी को टक्कर दे पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, इस पर अब आपकी राय क्या है? जो ओम प्रकाश चौटाला दो बातें कर रहे हैं उस पर भी आपने राय देनी है। कितना दम आपको लगता है तीसरे मोर्चे के गठन में और मध्यावधि चुनाव में? दूसरा, जो ममता बनर्जी को चेहरा बनाने की कोशिशें चल रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? और क्या तीसरा मोर्चा मोदी को टक्कर दे पाएगा, मतलब वो जिताएगा या हराएगा? इन सब पर आपने अपनी राय देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप तक पहुँचे, सही मसले पर डिस्कशन हो, तो फिर इस चैनल यानी दा मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।